तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। कल एक्चुअली ईद थी, फर्स्ट डे कल था, तो कल काफ़ी बिजी रहे हम, कुर्बानी वो सब करना था तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो लेने का। और वो वैसे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डाल सकते क्योंकि वो रिपोर्ट हो जाते हैं। तो आज हमारा डे है वो जो मीट है डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो पहले नानीहाल से स्टार्ट किया। ये देखिए, ये मेरा मातामाल है जिसको हम लोग नानीहाल कहते हैं। अंदर नानी से भी मिल के आ गया और अभी दूसरी जगह जाना है। ये मेरा भाई है, ये बिजनेस ओनर है, यहाँ पेट स्टोरीज चलाता है। तो अगर आपको कुछ पेट फूड नीड्स होंगी श्रीनगर स्पेसिफिक, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं दे दूँगा टाइटल में और इधर डिस्क्रिप्शन में। चलिए चलते हैं अभी आगे। तो गाइस, दो तीन घर कंप्लीट कर लिए हमने। अब मैं अपने चाचू के घर आ रहा हूँ, उनको देना है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने मटन रखा है वो। और मेरे साथ देखिए कौन है, ये पिद्दू सा डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे साथ। तो यहाँ से इस कॉलोनी में वो रहते हैं, ये उनका घर है, ये वाला उनका घर है, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ चलते हैं हम, यहाँ पर अंदर जाएंगे। ये देखिए गाइस, हम ऐसे फ्लाईओवर पे आए हैं जिसको 50 करोड़ साल लगे थे बनने में, और अभी ये कुछ 7-8 साल पहले खोला है इन्होंने। और यहाँ से ये फ्लड चैनल है, बहुत ही गंदी लग रही है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। ये कुछ इन्होंने कलर पेंटिंग वेंटिंग की है स्मार्ट सिटी के तहत, ये देख लो। तो हम लोग ने 30% रिलेटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी मेजॉरिटी चंक है हमारा जो डाउनटाउन से रहते हैं, तो डाउनटाउन को आजकल शहर खास बोलते हैं हम लोग, तो जाएंगे उधर भी। और अभी मैं भाई का वेट कर रहा हूँ, वो एक यहाँ गया अंदर थोड़ा, वहाँ गाड़ी लेने की स्पेस नहीं थी तो पैदल जाना पड़ा, तो उसका वेट कर रहे हैं, वो आएगा तो फिर चलते हैं आगे। और मिलिए इससे, ये मेरे साथ जो आया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्या नाम है आपका? शरण। आप क्या करते हो? क्या करते हो? मतलब व्हाट डू यू डू? आई एम डूइंग प्ले। आई एम प्लेइंग, आई प्ले। ये देखिए, यहाँ पर काफी जगहों पर ऐसे बस स्टॉप्स बना दिए गए हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन से इंडोर स्टेडियम है एक। आपको पता है इधर से इंडोर स्टेडियम है? आप जाते हो उधर? हाँ। क्या करने जाते हो? फिर उधर जाना है आपको? ठीक हाँ। है, मैं ले जाऊंगा आपको उधर। ये देखिए गाइस, ये ट्रेंड्स का पूरा एक खुला है इधर रिसेंटली, कभी जाएंगे उधर तो देखेंगे क्या है। अभी हम राजबाग से जा रहे हैं, अभी अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ टर्न लेंगे और आप देखेंगे हम जहलिम के ऊपर से चलेंगे। ये भी बता दीजिए कि जब अब्दुल्ला ब्रिज किसके नाम है? किसके नाम है ये ब्रिज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी है, शेख डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन पर है ये ब्रिज है, वो वाला ज़ीरो ब्रिज कहलाता है। आपने काफ़ी देखा होगा, मैंने पिक्चर्स इसकी काफ़ी पोस्ट की है। यहाँ तो अच्छा लग रहा है ये। इधर से हम जाएंगे डल गेट में भी कुछ रिलेटिव्स हैं, वो वहाँ कंप्लीट करके फिर हम डाउनटाउन की ओर रुख करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिक रिक्शाज भी यहाँ स्टार्ट हो गई हैं, ये देखो। बताओ कहाँ पहुँचे हम?
बर्न हॉल का मतलब क्या है, इनको बताओ लोगों को। बर्न हॉल मतलब जला हुआ हॉल। ये इसका स्कूल है, बर्न हॉल स्कूल। ये काफी फेमस है कश्मीर में, बहुत सालों से है यहाँ पर स्कूल, ये जाता है, इसी का स्कूल है। और यहाँ पर ये चारों तरफ चिनार के दरख्त लगे हुए हैं। शेर कश्मीर स्टेडियम, ये शेर कश्मीर स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। और हम चल रहे हैं आगे की ओर। हम डल गेट के अंदर की गलियों से घूम रहे हैं और ये देखिए इधर एक चर्च दिखी है मुझे। मेरे भाई का कहना ये है कि ये तारीखी चर्च है, बहुत पुरानी, 100, 150, 200, 400 साल पुरानी चर्च है। तो ये रेनोवेट की है गवर्नमेंट ने रिसेंटली, तो कभी मौका मिला, टाइम मिला तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसे दिखती है। ये देखिए कैसी गलियां कोचे रहते हैं कश्मीर के। गाइस जहां से अभी हम चल रहे हैं काफ़ी सीनिक जगह है, और मेरी एक खाला रहती है यहां पर, खाला मतलब मासी, तो उनके घर जा रहे हैं। तो इनके घर में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स हैं, पूरा घर के आंगन में ही पहाड़ स्टार्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखिए पहाड़ कितना पास में है इधर, तो इनके घर के अंदर में ही पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जाएंगे और जल्दी से देकर निकल लेते हैं। 11:30 हो चुके हैं और नमाज भी है, आज फ्राइडे है क्योंकि, तो जल्दी से करते हैं फिर निकलते हैं। पहाड़ असल, ये हम डल लेक की तरफ से चल रहे हैं। ये देखिए साथ में डल लेक है और इस एरिया को डल गेट कहते हैं। यहाँ पर रिसेंटली ये प्यूमा का भी एक फैक्ट्री आउटलेट खुला था, ये देखिए आज बंद है। यहाँ पर डल लेक ख़त्म हो जाता है। ये संगर मॉल है जो गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया था, बट कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा, कोई फुटफॉल है नहीं वहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन की ओर, एंटर करेंगे कुछ ही मिनटों में। और ये यहाँ पर एसपी कॉलेज का ग्राउंड है, तो यहाँ पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आज ईद के दिन, तो चलते हैं। ये मुनव्वराबाद कहलाता है, ये भी डल का एक क्या कहते हैं उसको, शाखा है। तो गाइज मेरा भाई अभी दूसरी जगह गया हुआ है, तो जब तक वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने गया तब तक मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूँ इस ईद का। तो इसमें हम कुर्बानी करते हैं, उसके तीन पोर्शंस करने होते हैं। वन पोर्शन वी कीप फॉर आरसेल्स, वन पोर्शन गोज टू नेबर्स एंड रिलेटिव्स, और जो थर्ड पोर्शन है वो गरीबों ज़रूरतमंदों में दिया जाता है। तो वही प्रोसेस ये होता है कि स्टार्टिंग में पहले हम नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो कल ही कर दिया था जैसे कुर्बानी हो गई थी। उसके बाद आज रिलेटिव्स की बारी है, फिर हम किसी दरसगाह या ऐसी कोई जो ऑर्फनेज होती है वहाँ पर जाते हैं, उनको दे देते हैं ताकि वो भी थोड़ा मज़ा ले पाएँ ईद का। तो अभी हम डाउनटाउन एंटर कर चुके हैं, तो डाउनटाउन में हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं तो उनको दे देंगे, फिर हम घर की ओर निकलेंगे। मेरी पुफियों के पास जाना है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा बहुत ही, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कंफर्टेबल है इतना वीडियो में आने के लिए या नहीं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख के करना पड़ता है, कोई नाराज़ ना हो जाए। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ भाई का। हम यहाँ पर हैं, बरबर शाह कहते हैं इसको, ये भी काफ़ी सीनिक है, डल लेक के पास में। ये डल लेक ये तो नहीं है डल लेक, यहाँ पर आगे है डल लेक, बट इट इज़ क्लोज इन क्लोज विसिनिटी टू द डल लेक। तो यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अंदर है, गाड़ी लेने की स्पेस नहीं है, तो वो आता है तो फिर हम चलते हैं इधर की ओर, डाउनटाउन की ओर। गाइस जिमनी स्पॉट की है कश्मीर में पहली बार, ये देखिए कैसी लग रही है, छोटी थार लग रही है ये मुझे, इसका मैंने नियॉन कलर मैंने ऑलरेडी देखा था। आप बोर हो गए? हाँ ठीक, अब आप ड्राइव करना इसके बाद, ठीक है, आप इधर आ जाना। हाँ अभी आप ही ड्राइव करना। ये हम अभी बोहरी कदल से चल रहे हैं, ये प्रॉपर डाउनटाउन है, और यहाँ आगे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। ये एक ही रीज़न से हो सकता है कि ये जो यहाँ मटका कुल्फी वाले होते हैं ये काफ़ी फेमस है, देखिए जैसे यहाँ पर ये चाचा है, ऐसे आगे और दो चार पांच हैं,
तो ये काफ़ी फेमस है और ट्रेडिशनल स्टाइल से ये लोग बनाते हैं। तो आज तो हमें टाइम नहीं है इतना, लेकिन कल परसों मैं फिर से निकलूँगा तो यहाँ पर आएंगे। शहरान को भूख लग गई थी तो हम इसको चिप्स दिला दिया, खाओ खाओ अच्छे से, पूरा ख़त्म करना है। ये देखिए गाइज, ये इलीगल चीज़ है, आप लोगों को बता दूं, ये जो ऐसे बच्चों को बाहर निकालते हैं सनरूफ के लिए, इस पे 20-30,000 का चालान हो सकता है। सो अगर ये वेन्यू वाला ये व्लॉग देख रहे हैं तो ऐसा ना करे, कोई भी ना करे, क्योंकि कभी ब्रेक मारनी पड़ती है अचानक से, ये बच्चे का क्या हाल होगा तब खुदा ही जाने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर कहीं है, पूरे वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड बैन है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन समझाए इनको। गाइज ये हमारा पुश्तैनी मोहल्ला है, हम यहीं रहा करते थे, मतलब हमारे पेरेंट्स, हम तो ज़्यादा नहीं रहे हैं, बट ये देखिए लेफ्ट साइड से जो घर है ये पहले हमारा हुआ करता था, फिर जब डिवीजन होता है फैमिली में तो पेरेंट्स के चाचूज का चला गया, और ये जहाँ पर स्कूटी लगी है ये अभी भी हमारा है, यहाँ पर हम आते नहीं हैं, देखिए लॉक है, बट कभी देखेंगे आएंगे। तो गाइज अभी एक पुफी के घर आ जा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ से फ्लड चल रहा है और वहाँ से वो रहते हैं, और ये देखिए क्या स्पॉट किया मैंने, लगता है स्टैन के फॉलोअर नहीं है यहाँ पर। तो ये चलते हैं और ये इनको दे देते हैं, फिर यहाँ से दूसरी एक कुफी, बड़ी कुफी के घर जाना है, वो हो जाएगा तो उसके बाद फ्री हो जाएंगे। देखो देखो मुर्गा वहाँ, देखो ना विंकेस ने किया, देखो देखो मुर्गा, और ये एक हैन भी है इधर, देखो देखो यहाँ, देखा कैसा है। ये भी फ्लड चैनल की इस तरफ रहते हैं, ये देखिए इनका घर है, नया नया बनाया है, बहुत ही सुंदर। वो वहाँ भाई वेट कर रहा है मेरा, चलते हैं इस ब्रिज से क्रॉस करेंगे, वॉकिंग ब्रिज से, तो फिर चलेंगे उस तरफ। तो गाइज़ ये काम हो चुका है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा, अब घर आ गया हूँ वापस, अब देखते हैं और क्या करना होगा आज, कुछ काम ही रहेंगे वैसे। ये आ गया हूँ घर, अंदर चलते हैं। तो गाइज़ आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला व्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो अभी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।